थे और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सीबी चार्ट सेरेब्रल पॉल्सी। नाम से वाजिया हो रहा है ये बच्चों में होती है। और सेरेब्रल पॉल्सी एक ऐसी कंडीशन है जो बच्चे की पैदाइश से पहले माँ के कोख में भी हो सकती है और बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद भी डेवलप हो सकती है। बच्चे की पैदाइश से पहले अगर माँ के कोख से बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही तो बच्चे का दिमाग डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से पैदाइश के बाद बच्चा फौरी रोता नहीं है, क्राई नहीं करता और उसकी वजह से उसका पट्ठों का कंट्रोल खत्म हो जाता है। एक ये कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है कि बच्चे की पैदाइश हुई उसके बाद बच्चे ने रोया नहीं, लेट कराए, माँ के पेट में नॉर्मल डेवलपमेंट थी लेकिन पैदाइश के बाद उस वो रोया नहीं, क्राई नहीं किया, तो उसकी वजह से बच्चे के दिमाग के किसी हिस्से में खून जम जाने की वजह से पट्ठों का कंट्रोल खत्म हो जाता है। मोटर कंट्रोल मसल्स का खत्म हो जाना ये सेरेब्रल पाल्सी की रीजन है। इसमें पेशेंट को सेंसेस ठंडे गर्म का महसूस होना होता है, बच्चे को महसूस हो रहा था कोई चुटकी काटता है वो भी महसूस होता है, लेकिन उसका इतना कंट्रोल नहीं होता कि वो अपने हाथ को पीछे कर सके या अपनी टांग की मूवमेंट कर सके। ये है रीजन सेरेब्रल पाल्सी डेवलप होने की। अब बहुत सी मदर्स हैं उनको पता ही नहीं होता उनके बच्चे की पैदाइश हुई है तो बच्चा पैदाइश के बाद रोया है या नहीं, रोया क्राई किया है कि नहीं किया। 8 महीने तक बच्चे की पैदाइश के बाद पता ही नहीं चलता माँ बाप को कि वो सेरेब्रल पाल्सी का है या नहीं। 8 महीने के बाद अगर बच्चा अपनी कमर संभाल के बैठ नहीं पा रहा, स्पोर्ट के साथ भी बैठ नहीं पा रहा, आप उसको बिठाते हैं और वो गिर जाता है, फॉल कर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको सेरेब्रल पाल्सी है। अलामत हो सकते हैं, बार दफा वैसे भी वीकनेस आ जाती है। इसके अलावा अगर 18 महीने का बच्चा चल नहीं पा रहा, अपनी इंडिपेंडेंट वॉक नहीं कर रहा, तो ये भी अलामत सेरेब्रल पाल्सी की हो सकती है कि उसको पैदाइश के दौरान ये मामला आए। अब सेरेब्रल पाल्सी में भी डिफरेंट कंडीशन, एक दिमाग के हिस्से पे असर हुआ तो बच्चे का एक हिस्सा सारा मुतासर हुआ, तो वो हाथ की हरकत नहीं कर पा रहा, उसकी टांग नहीं काम करती। इसी तरह से इसको हम कहते हैं हैवी प्लेजिया। एक और कंडीशन है डिप्लेजिया, जिसमें दोनों टांगे इन्वॉल्व होती हैं और वो एक्टिविटी नहीं करती, बच्चे का ऊपर वाला हिस्सा काम कर रहा होता है वो एक्टिविटीज कर रहा होता है। एक होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसमें चारों चीजें दोनों हाथ दोनों टांगे मूव नहीं कर पाते, इसको हम क्वाड्री कहते हैं। और एक होता है एकिनोइड, जिसमें क्या होता है पूरे गर्दन से नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल मुतासर हो जाता है और जो एक्टिविटीज नहीं करता होता। अब इसकी कोई वजह खास नहीं बन सकती, ना ये जेनेटिक है, ना ही किसी इन्फेक्शन की वजह से है, ना ही कुछ और, बस डेवलपमेंटल डिले है कि बच्चे की एक दिमाग की हालत का मुकम्मल ना बन, दिमाग का ग्रोथ ना करना, तो यही रीजन बन जाते हैं। अब ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट क्या? ऐसे बच्चे हमारे माशरे का अलमिया है कि अगर कहीं पैदा हो जाते हैं तो हम कहते हैं अब ये ठीक नहीं हो सकता, इस पे हमें टाइम लगाने की अपनी मेहनत लगाने की जरूरत नहीं। जबकि अगर उस बच्चे की हम मेहनत करें, उस पे एक्सरसाइजेस करवाएं, उसके दिमाग की कंट्रोल रखें, उस बच्चे को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, उससे बातें करें, उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, डिफरेंट जगह पे ऐसे बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं और हम लोग भी ऐसे बच्चों को एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वॉक करवाते हैं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, तो बच्चों का दिमाग थोड़ा बहुत ग्रोथ करना शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चों की मुकम्मल रिकवरी पॉसिबल नहीं, लेकिन 50% तक बच्चों की रिकवरी पॉसिबल है, जैसे वो थोड़ा बहुत चलने के काबिल हो जाता है, थोड़ा बहुत अपनी बाकिंग एक्टिविटीज करने के काबिल हो जाता है। अगर एक साइड इफेक्टिव है तो हम उसकी दूसरी साइड को इतना मजबूत करते हैं कि वो अपने इस हाथ से एक्टिविटी कर सके, इस टांग से अपना काम कर सके। अगर दोनों टांगे मुतासर हैं तो हम ऊपर वाले पार्ट को इतना मजबूत करवाते हैं कि ऊपर वाले हिस्से से वो अपने आप को चला सके, उठा सके और कोई चीज भी कर सके। इस एक्सरसाइजेस में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें वॉक ट्रेनिंग है, वॉकिंग ट्रेनिंग है, टॉक है, स्पीक थेरेपी है, स्पीच थेरेपी होती है और बच्चे को मेंटल डेवलपमेंट करते हैं, जिससे बच्चा काफी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाता है और अपनी थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। तो काइंडली अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई बच्चा है तो ब्रिंग देयर स्माइल बैक, उनकी दोबारा मुस्कुराहट को वापस लाएं, उन पर एफर्ट करें ताकि वो अपने आप को किसी भी तरह से कम महसूस ना करें, अपने आप को नॉर्मल समझें। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारी छोटी सी डिस्कशन थी अबाउट सेरेब्रल पाल्सी।
पॉलिसी। अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो काइंडली कंसल्ट विद अ थेरेपिस्ट और उसके बाद की रिहैबिलिटेशन पे वर्क स्टार्ट करें। थैंक यू।